तो भैया मेहरबान कदरदान, आज हम करने वाले हैं रिव्यू अपनी देवात्रा का। जो लोगों ने ली है यार वीडियो, वीडियो, वीडियो मैं वो लोग आएंगे। पूरी बात सुना करो, जो लोगों ने ली है वो लोग वीडियो में आएंगे, ठीक है। सो हाँ, तो मैं क्या करता, आज बेसिकली हम क्या करते हैं कि जिन लोगों ने भी देवात्रा परचेज किया था उसमें से कुछ लोग हमने चुने थे और उनसे हम वन ऑन वन कॉल करके मैं और सिवन और उनसे रिव्यू हम जो है लेंगे और उनकी परमिशन होगी तो उनको हम ये जो चीज़ हम कन्वर्सेशन करेंगे उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे और उसको फिर हम डालेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आगे भी जो लोग जैसे लेंगे तो भी उसमें से कुछ लोगों को हम ऐसे बीच में रैंडमली संडे में, जैसे हमारे पास टाइम होता है, संडे है तो संडे में हम पे टाइम होता है, तो हम लगभग 3-4 लोगों से कॉल करके वीडियो कॉल पर उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ रिव्यू भी ले लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक दिन से दो निशाने वाली बात है कि पहली बात तो हम अपना रिव्यू भी ले पाएंगे कि भाई उनको अच्छी लगी बेकार लगी क्या है, उनका फीडबैक भी जान पाएंगे, साथ ही साथ हम कुछ लोगों से बात भी कर पाएंगे इसी बहाने, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे भैया हमें आपसे बात करनी है और से भाभी से बात करनी है, तो वो वाली बात है, हम सब लोगों से फिर जो है बात भी कर पाएंगे और एक एक बंदे से ना ज़्यादा अच्छे से बात हो पाती, नहीं तो हम पहले लाइव भी आते थे, लाइव में फिर वो बसट रहती थी, मज़ा नहीं आता था। तो सही है, ये अच्छा लगा मुझे, ये मतलब हम लाइफ लॉन्ग अपना सकते हैं ये वाला जो तरीका है, मतलब हर संडे नहीं तो पर एटलीस्ट एक संडे छोड़ के महीने में दो बार हम दो संडे ऐसा कर सकते हैं। इस डायरी में और इस फोन में जो है वो नंबर्स वगैरह हैं, जो ये सारा काम छाया का होता है कि कौन से इन लोगों से क्या बात करनी है, सिलेक्ट करने का और जो भी कुछ होता है, तो वो सब चीज़ें छाया ने डिसाइड कर रखा है, कुछ लोग हैं उनसे हमें बात करनी है और हर बार हम अलग अलग लोगों को डिसाइड करेंगे, एक ही जैसे सेम ना हो जाए, ये अच्छी बात है, तो हम अलग अलग लोगों से बात कर पाएंगे और ज़्यादा लोगों से, मतलब एक साल में हम देखा जाए तो बहुत सारे लोगों से बात कर लेंगे, अगर महीने में 10 से 15 लोगों से बात कर रहे हैं तो साल में, तो हाँ 10 का भी अभी लेके चलो तो भाई 120 लोगों से बात कर लेंगे पूरे साल में, बढ़िया है। 120 लोगों को हम जान पाएंगे, बताओ उनकी, मतलब एक हर एक बंदी के अलग एक करेक्टर और नेचर होता है ना, मज़ा आता है ज़्यादा लोगों से बात करने, सबकी अलग बातें भी होती है। हाँ लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, लाइट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा पी इंटेंसिटी कम कर इसकी, ये सही है एकदम, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं फिर। अंताक्षरी चिलिन संडे, हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है देख के आप लोगों को, आपको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे हो आप? तो आपको रोज देखते हैं, थैंक यू सो मच, और ये पी के हम और अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, कहाँ रहते हो आप वैसे? देहरादून। अच्छा देहरादून, अच्छा। हाँ जब भी पीछे बहुत ग्रीनरी है आपके वहाँ पे पीछे, काफी सही है। जी बढ़िया जगह रहते हो आप, तो हवा भी आपकी एकदम शुद्ध रहती है, तो बढ़िया, पर बारिश बहुत होती है। हाँ बारिश तो आ रही है, ज्यादा दूर नहीं है ऐसा, दूर मेरे हस्बैंड। नमस्ते जी, बढ़िया, चलो बढ़िया है। और बच्चे वगैरह भी आपके? हाँ दो बेटी है मेरे पास। अच्छा अच्छा, एक बेटी की शादी हो गई है वो ऑस्ट्रेलिया है। हाँ हाँ, और बेटी अभी है छोटी, वो थोड़ी बीमार है, उसकी हार्ट सर्जरी हुई है। अच्छा अच्छा, दोनों सीजेरियन है मेरी ना बेटियाँ। अच्छा अच्छा, हमारी भी दो बेटी हो गई, अब तो बराबर सेम है, हमारे बारे में तो पता ही आपको। खैर रोज देख करके वीडियो का, और बताइए आप अपने बारे में, क्योंकि हमें तो आपको जानना है बेसिकली, आपसे बात करनी थी ना, कि नए लोगों से पूछे कि कहाँ रहते हैं क्या करते हैं। देहरादून रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ मैं। अच्छा, मेरी बेटी हाय, इसके दिल में चेक था तो इसकी हार्ट सर्जरी हुई है ऑन इंडिया। अच्छा अच्छा, तो कॉन्वेंट में पड़ी हुई है खूब अच्छी, लेकिन ये है कि शादी नहीं करती है, कहती है शादी नहीं करूंगी, मम्मी पापा के साथ रहूंगी। अच्छी बात है, मर्जी है सबकी। मैं भी बोलता हूँ छाया से, मेरी बहन है जो छाया से, मैं भी वही बोलता हूँ कि क्या करेगी शादी करके, तुम्हारे साथ ही रहे। लेकिन आपकी फैमिली तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा, मतलब जो देखते हैं हम उस हिसाब से, ऐसे लगता है हम भी वहीं आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी मेरठ साइड में आओ तो बिल्कुल बताना, मिलेंगे हम। अच्छा आपको वैसे क्या दिक्कत थी, जैसे आपने ये मंगाई थी तो आपको मतलब कुछ मतलब क्या फायदा लगा, एक बार इसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? पर मेरे को ना ऐसी दवाई पीने की अच्छा लगता है, मतलब मैं ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये सब ज्यादा अच्छी, मतलब जो वैसी होती है ना इंग्लिश दवाइयाँ, वो मैं नहीं, हम नहीं लेते वो एलोपैथी। हाँ एलोपैथिक दवाई, तो वो जो होती है ना, क्या पीती हूँ ना, उस चिरायता पीती डेली, इसके अंदर भी चिरायता, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, अब मैं ये पीती हूँ। हाँ इसके अंदर चिरायता भी है।
इसमें चिरायता भी है, नीम भी है, इसमें गिलोय है। गिलोय है इसके अंदर। आपने तो सब पढ़ी रखा है, पूरी रिसर्च कर रखी है। तभी मंगाई मैंने फिर सब, मतलब एक बार हमने पिया तो मुझे अच्छा लगा टेस्ट, जबकि कड़वा है और हमें नहीं लगता कड़वा। चिरायते जितना कड़वा नहीं है। इसमें कुटकी है ना, वो कुटकी क्या होती है, कुटकी थोड़ा कड़वापन ले आती है, और कुटकी हमारे लीवर के लिए और नसों के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए। थोड़ी सी मेरी स्किन जैसे 50 प्लस हो गई हूँ, तो थोड़ी सी तो उससे मुझे ग्लो आया है इससे पी के ना। हाँ हाँ, एक वीडियो में करी था, कमेंट किया था मैंने कि मेरी पढ़ा था मैंने आपका कमेंट पढ़ा था। हाँ, तो मेरी बेटी भी पीती है बहुत शौक से, के लिए भी बढ़िया है, कोई भी पी सकता है। हम रूरू को भी देते हैं ये, रूरू हम 3 साल की है, उसको भी देते हैं। हमारे घर में मम्मी भी पीती है, रूरू भी, सब पीते हैं इसको। अब तो मैं भी पी रही हूँ। अब सीवन भी पीती है अब तो। बल्कि गिलोय तो हमने अपने घर में लगाया हुआ है, नीम भी लगाया हुआ है अपने घर में। ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं भी ऐसे ही घर चाहता हूँ कि सब अपने घर में लगा पाए। बढ़िया चीज। देहरादून में कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं। अच्छा, हाँ, उधर बढ़िया है, उधर तो पूरा ग्रीनरी वगैरह, वाटरफॉल वगैरह भी जा सकते हो वहां से आगे। हाँ, वैसे पर हम जाते नहीं है क्योंकि हम बहुत घूम चुके हैं। अपने शहर में जा नहीं पाते। एक आए थे आप लोग भी ना? बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे सरसधारा वगैरह ये सब चीजें घूम के गए थे हम। फिर उसके बाद वहाँ गए, रोवर्स केव गए थे, वो सब चीजें घूम के गए थे, देखा था मैंने। हाँ, वहाँ पे आपका वो भी तो है जो अभी बाढ़ आई थी, वो कौन सी जगह थी जहाँ वो माल देवता, वो वाला एरिया भी देखा था हमने। कोई गेस्ट आता है तब जाते हैं हम उनके साथ, वैसे नहीं जाते हैं उन्हें घुमाने के लिए। ऐसे ही होता है। चलिए बढ़िया है, थैंक यू, और अच्छा लगा बात करके। कभी उधर आएंगे तो पक्का मिलेंगे आपसे। हम नहीं, पास में ना सब्जी लेने गई थी, फटाफट जैसे उसका मेरे ख्याल से छाया का कॉल था, आवाज पहचान गई थी मैं, तो फटाफट आई मैं। कि पिछली बार भी शायद था तो कि आपका वीडियो आएगा, तो मैं कहीं गई नहीं थी, तब वीडियो कॉल आया नहीं था उस दिन, पिछले संडे। अच्छा, वो उस टाइम पे अभी थोड़ा फाइनल कर रहे, थोड़ा मैं कहीं बिजी था, मैं कहीं गया हुआ था, तो अब हम सोच रहे संडे में बात करा करेंगे सबसे, जैसे जो लोगों से डायरेक्ट, उससे क्या है हम भी लोगों को जान पाएंगे, एक अच्छा भी लगता है कि अब आपके बारे में हमें पता चला कि चलो वहाँ पे भी लोग हैं जो मतलब सब्सक्राइबर हैं, उनसे मिलने का भी जा सकते हैं, तो ऐसे ही हम नए लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। बढ़िया, एक फैमिली कनेक्टेड रहेगी सब। जब देहरादून आओगे आप मेरे घर जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वहां पहुंच के हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, आप तो मेरा नंबर भी है। हाँ, आपका एड्रेस भी है मेरे पास। सीधा घर आ जाऊंगा मैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, भगवान ऐसे बच्चे सबको दे जैसे तुम दोनों। थैंक यू। ओके, नमस्ते जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों। आप भी अपना ध्यान रखना। The next day. कैसे करना है? ऐसे ऐसे लो करके दिखाओ, ये लो करके दिखाओ, कैसे करना है? स्कूल में सीखा ना आपने? ऐसे नहीं, अंदर ऐसे डाल के करो। I'll keep my status quo up here. I'll fix it on my own. ये क्या बना रहे हो तुम? गिर जाएगी ये। यहाँ पकड़ो, इसे बैठो और यहाँ पकड़। How long can I keep up the pace? पकड़ लिया, चले बैठो बैठो। Will you be there? Juju, the next day. बस अपना वीडियो शूट करने जा रही थी और रूरू के स्कूल से कॉल आ गया कि वो रो रही है, उसका मन नहीं लगा, तो बस उसे लेने जा रही हूँ, आके शूट करूंगी। तो रूरू मैडम को लेके आती हूँ, मतलब। चलो देखते हैं क्या हुआ था।
अब वहाँ जानी है, फिर रो रो के तुमने सबका दिमाग खराब कर दिया, अब तुम्हें वहाँ जानी है, बदमाश लड़की। The next day. चलो 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 चलो, दादी को लेके जाएगा, चलो छोटी नहीं है मम्मी, बहुत बड़ी है तो उससे छोटी है। आज रूरू रो रही थी, मतलब मुझे पता है मैं उसे कैसे छोड़ के आई हूँ, पर ऐसी आदत पड़ेगी, सीखेगी भी ऐसी, है ना, तो बस वही बात है। चलो चलते हैं, कुछ होगा तो मैं लेने आ जाऊँगी, पर आई थिंक अभी शांत हो गई, थोड़ी देर का बच्चों का होता है, मतलब आज रोई है वो, 4-5 दिन हो गए, फिर भी चलो सीखेगी ऐसी। कहाँ जाएगी मम्मा? तो अभी स्कूल से आ गई है ये शैतान बच्ची, और अभी जा रहे हैं हम घर। सुबह रो रही थी, सुबह रो रही थी, आज स्कूल उसके बाद जैसे मैंने बोल दिया टीचर को कि थोड़ी देर देख लो, मुझे कॉल कर देना, तो वो कह रही थी कि ऐसे तो ये अगर बार बार कॉल करेंगे तो फिर बैठ नहीं पाएगी स्कूल में, तो मैंने कहा तो फिर थोड़ी देर में चुप जाएगी, अपने हिसाब से देख लेना, क्या आप गए ना थोड़ी देर में चुप हो गई, बाकी पीछे सब्जी लेके आ गए, और अभी चलते हैं घर, और घर जाने के बाद हमें आज थोड़ा सा गाड़ी का एक दो चीज़ें देख के आनी है, जो हमारी गाड़ी है उसका पता करना है, एक दो जगह मैं सोच रहा हूँ एक और एक दो जगह बुक करा दूँ जो वहाँ से जल्दी मिल जाए, क्योंकि वो बोल तो रहे हैं 10-12 दिन पर भाई टाटा का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि शोरूम टू शोरूम वही है क्या हिसाब रहता है, तो मुझे चाहिए जल्दी, जहाँ जल्दी मिल जाए, बाकी एक आध और गाड़ी भी देख आएंगे, डीजल वीजल की कभी कभी क्या रहता है, अब तुम उसको भी मैं लूँगा तो लगभग 23 के करीब की पड़ेगी वो, है ना, तो उस रेंज में बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, एक बार मेरा मन है सेल्टोस को देखने का, पता नहीं वैसे तो सेल्टोस पता नहीं देखने वाला ऐसे मन है कि ये ईवी और सेल्टोस की क्या लगता है ऐसे ही, मतलब इंटीरियर अच्छा लगता है मुझे उस गाड़ी का अंदर से, जो अभी नई वाली आई है तो देख के आना, ऐसे देखेंगे इनोवा हाईक्रॉस, अच्छा तो पता नहीं क्या लगता है। चलो घर चलते हैं, अभी पहले नहा धोते हैं फिर उसके बाद चलते। क्या खा रहे हो आप? मिर्ची? मिर्ची नहीं है ये, भिंडी है। क्या है ये? भिंडी। तो भाई अभी हम जा रहे हैं नहा धो के अपना, एक दो गाड़ियाँ देखने, बाकी इस गाड़ी का एक बार रेट भी लगवाएंगे, इसे निकालने का पूरा प्लान है, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ तो आपको पता है कोई फायदा है नहीं, 3-4 गाड़ियों को मैं नहीं बनता, इतनी गाड़ियाँ रखो, पहले हमने रख के देख चुके हैं 3 गाड़ी, तो हमें पता चल गया था एक गाड़ी सड़ती थी जब ला गया थी, वो सड़ती थी फिर, इसलिए वही है कि अपना इस गाड़ी को निकालेंगे, एक हम पे ऑलरेडी है डीजल की जो कि अपनी हाईलैक्स है, तो हमें कहीं भी ऐसा कैंपिंग या फिर कहीं बहुत ऑफ रोडिंग या फिर लंबी ट्रिप पर जाना है तो उसके लिए हमारे पास वो गाड़ी है, सिटी विटी में यहाँ चलने के लिए दिल्ली NCR गाँव वाँव जाना है 100-200 किलोमीटर आसपास के लिए, हम वो गाड़ी ले रहे हैं जो कि अभी तो पूरी तरीके से हमारी बुकिंग हमने कर दी है उसकी, देखो तो पूरी तरीके से मन तो उसी का ही है कि हम कर्व ईवी लेंगे, बाकी देखते हैं भाई देखो कौन सी आएगी आज, क्या पता कोई और मन में समझ में आ जाए बीच में, पर मैं जो भी लूंगा मोनोकोक चेसी पर गाड़ी लूंगा, लेड्रॉन फ्रेम मेरे को ऑलरेडी है, ये भी लेड्रॉन फ्रेम है, तो मुझे एक थोड़ी कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, थोड़ी छोटी चाहिए, हल्की छोटी, ज्यादा वो नहीं कि बहुत ही, मेरे को जैसे ये भी नॉर्मल लगती है सिटी में, मेरे को आदत पड़ गई इसकी अब, पर थोड़ी सी छोटी और थोड़ा एवरेज भी सही रहे, क्योंकि सिटी विटी में ये कुछ भी एवरेज नहीं देती, बेसिकली पहले जो है ये कार्यक्रम शुरू हुआ था हमारा कि हमें कोई गाड़ी चेंज करनी थी, क्योंकि हमारी चुल उठती आपको पता ही है 2-3 महीने में, तो हमने देखना शुरू किया, फिर मैंने ऐसे डीजल का अपना ऐसे खर्चा जोड़ा कि भाई कितना हो रहा है क्या, तो मुझे पता चला भैया हमारा जो अभी हम कहीं घूमने ज़्यादा जा नहीं रहे, आप यहीं आसपास ही रहते हैं, आसपास ही जो हमारा काम सब यहीं रहता है, तो 40,000 रुपये महीने का डीजल का खर्चा है, हमारी गाड़ी लगभग 3500 किलोमीटर के करीब महीने की चलती है, जब हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं तब आई है, क्योंकि हम बहुत भटकते हैं। हाँ, पहले हमारी गाड़ी लगभग महीने की ऐसे भी चलती थी 8,000, 9,000, 10,000 जब हम ट्रैवल करते थे, एक एक महीने में 10,000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाई है, 7W और जब थार थी फॉर्च्यूनर थी तो उनके साथ था ये, आपको पता ही, मैंने बताई थी, तो जब तो खैर 1,00,000 रुपये डीजल का ही खर्चा हो जाता था, तो वही है कि 40,000 रुपये डीजल का खर्चा मुझे ऐसा अंदर से लग नहीं रहा कि यार वर्थ इट है, तो फिर मैंने सोचा कि यार इलेक्ट्रिक देख ली जाए, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक तो बुक कराई दी है, और नहीं तो कोई ऐसी जो अच्छा एवरेज दे, कम से कम 18-19 का एवरेज दे, ये जो गाड़ियाँ ये 9 से ऊपर का एवरेज नहीं देती, सिटी में तो 8 का ही देती हैं, तो वही वाली बात है, तो बस इसलिए जा रहे हैं, बाकी अभी इसमें टू टू जो कर रही है ना इसलिए कर रही है क्योंकि इसका जो है रीजनरेशन हो रहा है, इसके अंदर देखो वहाँ पर लिखा हुआ है रीजन स्टार्ट हो गया है इसका, सो ये इलेक्ट्रिक वाला रीजनरेशन नहीं है, ये DPF वाला है, ये भर जाता है इसका चौक हो जाता है फिल्टर, तो ये उसको क्लीन करती है थोड़े टाइम बाद, इसीलिए मैं इसको दूसरे या तीसरे गियर में चला रहा हूँ, और क्या कहते हैं मैनुअल पकड़ के, जिससे जल्दी हो जाए, 2000 RPM से ऊपर रखते हैं तो थोड़ा जल्दी होता है, बस चलो चलते हैं गाड़ी देख के आते हैं, आपको दिखाते हैं क्या हिसाब किताब है, बाकी अगर आज नहीं समझ में आई तो कर्व तो अपनी है ही डिसाइडेड है जी, क्योंकि वो तो बुकिंग कर ही रखी है हमने, बढ़िया है। हाँ मुझे भी बढ़िया लग रही है वो गाड़ी, पर मुझे मैं सोच रहा हूँ कि एक बार, क्योंकि डीजल से अपना थोड़ा प्यार है ना, और वो वाली बात है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक दो और देख लेते हैं थोड़ा जो अच्छा एवरेज देने वाली डीजल गाड़ियाँ, जैसे कि किया हो गई, मेरे को
वो भी अच्छी लगती है वैसे तो देखने में, तो ये अपनी क्या कहते हैं क्रेटा है, पर क्रेटा में बहुत ज़्यादा वेटिंग होगी, तो मैंने किया किया लेते हैं, किया थोड़ा सा ज़्यादा अंदर से मुझे थोड़ी सही लगती है, बाकी क्रेटा ले लूँगा तो लोग मुझे फिर वैसे ट्रोल करेंगे इसलिए भी नहीं लेना है। क्रेटा वालों को लोग थोड़ा सा गलत तरीके से गलत नज़रों से बोलने लगे, आजकल कुछ गलत छपरी वर्ड उनके साथ जोड़ दिया गया पता नहीं। चलो बाकी बढ़िया गाड़ी यार, मुझे अच्छी लगती है चाहे कैसे हो, पर गाड़ी इसीलिए नंबर वन है भाई, सबसे ज्यादा बिकती है क्रेटा, एक महीने में कम से कम शायद 19-20 हज़ार क्रेटा बिक जाती है भाई, सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है वो एसयूवी में। चलो चलते हैं देख के आते हैं, स्विफ्ट भी देख के आए क्या? यार मजा आता है स्विफ्ट भी देख के आएंगे नई वाली। हाँ जी सर, लगभग ये मान के चलिएगा एक शोरूम इंश्योरेंस आरटीओ फास्ट और कुछ बेसिक ऐसे सर, इसको मिला करके गाड़ी ऑन रोड जो बैटरी है 23,21,000 रुपए की बैटरी है। तो भाई अभी हमने लगभग काफी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लिया, आज हमने सफारी चला के देखी, सेवन जी का मन घर से फोन पे आ गया रारा उठ गई, क्योंकि सेवन को बड़ी गाड़ियां पसंद है इसलिए, ठीक है। और बाकी अभी घर से फोन आ रहा था, एक बार घर पे बात कर लेते फिर बाकी कहानी बताता हूँ। बाकी भाई अभी किया वाले जो उनके पास थी नहीं, वो घर पे भी आने वाले हैं, तो उनकी वो भी किया कि सेल्टोस जो हमने देखी उसका टॉप वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक का, उसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। पर हमने एक गाड़ी चलाई जो कि हम सोच रहे थे कि हम नहीं चलाएंगे, पर हमने चला ली दूर दूर तक नहीं सोच, और वो थी क्रेटा, क्रेटा का टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में चलाया। इट फील्स लाइक क्यों चला ली है भाई, क्या गाड़ी है बताया यार, मतलब कुछ भी हो उसका चाहे कुछ भी कहते हो, कि लोग जैसे छपरी वपरी कहने लग जाते हैं कि देखो वो आ रही है, भाई बहुत ही सही गाड़ी है, वो ऐसे ही नहीं बिक रही, वो भी कह रहे थे ना कि लगभग 15-16 हज़ार यूनिट भाई महीने के जाते हैं इसके, वो ऐसे नहीं कि 15-16 हज़ार क्रेटा हर महीने बिक जाती है, कोई बात होगी यार उस गाड़ी में, मतलब मुझे नींद आ गई थी उस गाड़ी में, मुझे नींद नहीं आती गाड़ी में लिटरली, इतनी पीछे बैठी मैं कह रही हूं मुझे नींद आ रही यार, इतनी कंफर्टेबल है, बेड जैसी फीलिंग थी बिल्कुल, मतलब बहुत ही सही गाड़ी है भाई जो नई वाली है। मैंने तो क्रेटा शायद पहली बार ही चलाई होगी, मैंने पहली वाली नहीं चलाई इससे पुरानी का, मैंने पहली बार चलाई है क्रेटा, ठीक है। इतनी प्यारी चलती है, हैंडल जो उसका हैंडल है ना भाई, इतना प्रिसाइज, मतलब जो जिसको गाड़ियां चलाने में मजा आता है ना, जो जिसको एक होता है ड्राइवर्स कार, ये वो है ड्राइवर्स कार भी है साथ ही साथ पैसेंजर कार भी है ना, आगे फीचर्स तो कहते उसमें सारे हैं, वो सबको पता ही है फीचर्स, तो फीचर कितने को भी नहीं है, पर जो कंफर्ट है उस गाड़ी के अंदर भाई चलाने में, लेजेंडर भी थी हमारे पास, स्कॉर्पियो भी है, हाइलक्स भी है, पर उसके जैसे कंफर्ट मैंने आज तक नहीं देखा किसी गाड़ी में, मेरे हिसाब से आई थिंक लग्जरी देती होंगी ऐसा कंफर्ट, जहाँ तक है हाँ वैसा ही है लगभग, BMW देती थी उसकी बैक सीट, उस BMW देती थी, 7W को कंफर्ट बहुत अच्छा था, पर ये 7W से थोड़ी सी मतलब ज्यादा एक ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। हमने जितनी मतलब खुद से ली है, BMW तो घर वालों की थी, जितनी गाड़ियां हमने मैंने और डीवी ने खुद से ली है, उनमें मैंने अब तक जो कंफर्ट बेस्ट बेस्ट देखा है वो क्रेटा में देखा। भाई कुछ भी हो मोनोकोक चेसी पे ज्यादा ऊंची गाड़ी नहीं है, थोड़ी नीची है उसका ही फर्क आता है, ज्यादा वो नहीं है, पर बहुत ही सही गाड़ी है। देखो जैसे क्या है 7W में क्या होता था, 7W में ना कंफर्ट बहुत अच्छा है, भक्ति बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, उसके सस्पेंशन गड्ढे में जाते थे ना तो वो आवाज करते थे, हमने इसी वजह से वो बेची थी कि वो पता नहीं क्या अजीब सी आवाज आती, नहीं तो बहुत कम्फर्टेबल नहीं होता था, लेकिन बस आवाज करते थे, बहुत कम्फर्टेबल गाड़ी वैसे वो, बस उसका इंजन अंदर आवाज आता, अंदर की इंजन की आवाज थी वो भी अंदर आती थी, ये भी दिक्कत थी। इसको हमने भाई हम गड्ढे में ले गए, हम इतनी ऑफ रोडिंग मतलब अपनी 4x4 गाड़ी से नहीं करते, ठीक है, जो वहाँ पे जो हाइलेक्स से करते हैं, हम वहाँ पे था ऐसा भाई सीन एक जगह पे, उन्होंने कहा भैया यहाँ घुसा दो, इतना गहरा तो वो गड्ढा होगा, हाँ उनमें मतलब गहरा ऐसे इतने में गहरा नहीं, उसमें तो खट्टी की जाएगी, नहीं नहीं ऐसे हाँ, लंबाई की बात कर रही है, तो काफी मतलब ऐसे था मैं तेज निकालूंगा तो टिक जाएगी गाड़ी बहुत ही, और पानी भरा हुआ वो, उसमें मैंने चला के देगी, और जो प्यार से निकली है भाई सस्पेंशन में, कोई आवाज नहीं कुछ नहीं, मतलब तुम सोचा यार मैं इतना किसी गाड़ी की तारीफ नहीं करता जो कि मैं खरीद नहीं रहा, आगे वालों को फिर भी इतना महसूस नहीं होता, असली फीलिंग जो आती है ना वो पीछे वाले बंदे को आती है गड्ढे की, पर मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी पीछे की, इतना इतना बड़ा और इतना गहरा गड्ढा था, मतलब बढ़िया बहुत सही गाड़ी है भाई, जो भी बंदा अगर उसे ले रहा है तो ले लो, हमारा तो अभी ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि हम उसे लेंगे, पर अगर हो गया तो देख भी सकते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी वो सच में, मुझे ये वाले सेगमेंट पसंद नहीं है, थोड़ी SUV ज्यादा मतलब ये है कि अब डीजल ले रहे हैं तो फिर बड़ी गाड़ी ले लो, फिर डीजल में ही लेना है तो है ना, फिर क्या क्रेटा प्रेटा लेना, या तो फिर कर लो इलेक्ट्रिक की, क्योंकि वो फिर अलग लेवल का, अगर इसी मतलब डीजल ही लेना तो फिर इनोवा हाईक्रॉस लो, या फिर डीजल में डीजल में नहीं आती इनोवा हाईक्रॉस, वो भी पेट्रोल आती है ना, हाँ सही कह रहे हो, पर वो अच्छी लगती है, हाँ पर वो ये 30-31 बजाना, ये सही है 22-70 के करीब पड़ रही है, 22-70 हाँ, तो ये एक सही प्राइस रेंज है इस गाड़ी के लिए, और
बहुत कर्व से कम पड़ रही है। कर्व से कम पड़ रही है, कर्व हमें पड़ेगी 23 कुछ की। हाँ तो कर्व से थोड़ी सी सस्ती पड़ रही है, और वो अभी हम जाके थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे अपने मन को समझाएंगे। मुझे बस ये सेगमेंट पसंद नहीं है, मतलब है ना बस, लेकिन अंदर से वो गाड़ी देखते हैं। चलो अभी घर पे चलते हैं, घर पे एक बार रारा जग गए तो वहाँ थोड़ा सा बैठेंगे। बाकी अभी वो भी आ रही है, क्या कहते हैं, मैंने जो चलाई थी अभी वो मैनुअल चलाई थी। सोचो मैनुअल चलाने के बाद मैं इतना खुश हो गया, ऑटोमेटिक चलाऊंगा तो कितना ही मजा आएगा उसमें। तो अभी ऑटोमेटिक हमने किया सेल्टोस घर पे बुलाई, वो पहुंचने वाले हैं भैया, तो डीजल ऑटोमेटिक वो चला के एक बार देखता हूं घर पे, फिर देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। बाकी इंटीरियर भी बहुत प्यारा था। मुझे तो लगता है मतलब जैसे जनरली लोग सोचते होंगे पति पत्नी दोनों हटेले कुछ भी करते कार के हैं। कार के ऊपर कितनी बातें कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी लेते हैं भाई। हमें ऑटोमोबाइल वालों कार से ना एक प्यार है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है हमें बहुत ज्यादा। घर में ना अलमारी में दीमक लगी, अलमारी चेंज नहीं करवाई जा रही, पहले हम गाड़ी लेंगे। अरे अलमारी चेंज करवाएंगे, ऐसे क्या बात है। ढूंढ लिया मॉडल किचन वाला कंकरखेड़ा में, चुपचाप कल उसको बुला के ले आओ, वरना वो मेरे ऊपर गिरेगी अलमारी किस दिन। तो फोन कर दो ना उसे, घर पे आके चेंज करके चला जाएगा। ठीक है यार, मेरे को ना ये काम करना पसंद नहीं है, किसी को फोन करो जो चेंज कर ले भैया, तो 2-3 लाख ले कर दे से सही। अरे ऐसा होना चाहिए, सॉर्टेड लाइफ, मजामा। चलो घर चलते हैं अभी, कर भी नहीं, नेक्स्ट होना है।